नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश बरेली शहर के वार्ड नंबर 54 में, जहां पर हम आपको बता दें कि ये पट्टे की बजरिया लगती है भूड़ों पर। अब इस समय हम देख सकते हैं कि हमारे बीच इस कॉलोनी के सारे लोग एकत्रित हो चुके हैं, जो कि बंदरों के आतंक से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इनका कहना है कि संबंधित विभाग को हमने सूचित कर दिया गया, पर अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, वो यहाँ से निकलकर अपनी कोचिंग क्लास भी नहीं जा सकते हैं। बीच रास्ते में ही बंदर यहाँ पर हमला कर देते हैं, कई बच्चे यहाँ पर घायल हो चुके हैं। एक यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी, यहाँ का लोगों का कहना है कि एक औरत को यहाँ पर, महिला को घेर लिया गया था और जितना भी उनकी दुकान पर इलेक्ट्रिक का सामान था, बंदरों की फेंक फेंक कर मारा गया है। तब जाकर उस महिला को बंदरों से निजात मिला है। तो देखिए, आइए चलते हैं, इन्होंने सिटी न्यूज़ से संपर्क किया है, कहाँ तक ये बात सच है, आइए चलिए जांच पड़ताल करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? आरती सक्सेना। आरती सक्सेना जी, आपको क्या परेशानी है इस कॉलोनी में? बंदरों से बहुत परेशानी है। बंदर घर का सामान सब बिखेर देते हैं, कपड़े वो फाड़ देते हैं, बच्चों को वो काटने हम लोगों पे भी झपटते हैं। इससे कैसे बचाव किया जाए? हम लोगों ने इतनी सूचनाएं भी दी, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कोई निष्कर्ष नहीं निकला जी। जी क्या नाम है आपका? कामनी। कामनी जी, आपको तो काफी समय यहाँ पर हो गया होगा जी। ये बंदरों का आतंक आखिर कितने समय से यहाँ पर है? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। हाँ। 8-9 सालों में आपने कहीं ना कहीं तो किसी को तो बताया होगा? क्यों नहीं, मीडिया वालों को कई बार कहा, कोई आया ही नहीं, आज आप आई हो पहली बार। कोई अधिकारी हो जिससे आपने शिकायत की हो यहाँ? सबको ही मालूम है यहाँ बंदर बहुत है, कोई कार्रवाई हुई नहीं है आज तक। कोई कार्रवाई जी नहीं, अभी तक नहीं हुई है। बेटा क्या नाम है आपका? दिव्या सक्सेना। बेटा आप जब स्कूल वगैरह जाते हैं तो आपको डर लगता है बंदरों से? हाँ यस। कभी ऐसा हुआ है कि आपको यहाँ पर घेर लिया गया हो, बंदरों ने घेरा? हाँ। क्या नाम है? दिव्यांश। आप पे बंदरों का हमला हुआ था? हाँ। पहले मैं हुआ, अभी पढ़ने जब हम कोचिंग जाते हैं तो बंदर घेर लेते हैं, तो आपको डर लगता है? हाँ, अभी तो हम काटते काटते वजह यहाँ पर चोट भी लगी थी। मैं अनुशील कुमार, मैंने यहाँ पर इन्फॉर्म करा था, इतना ज़्यादा बंदरों का आतंक है इस क्षेत्र में कि हम लोग का सड़क पर निकलना मुश्किल है, सड़कों पर बंदर टहलते हैं। और कल परसों मेरा बेटा पढ़ने आया था तो उसको गली के अंदर ही बंदरों ने गिरा लिया था। एक बार महिला पे भी हमला करा है, बच्चों पे हमला हुआ है। पर्सनली मैं मेयर साहब के ऑफिस भी गया था, बट वो मिले नहीं मैंने, और उनको सोशल मीडिया पे भी इन्फॉर्म करा है, सोशल मीडिया इन्फॉर्म करा, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने आपको सूचित करा कि कोई आप लोग संबंधित विभाग तक या मेरी शिकायत पहुँचाएं, उसको तुरंत कार्रवाई हो। तो जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे, इन्होंने संबंधित विभाग को भी सूचित कर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ के जो निवासी हैं उनका कहना है कि उन्होंने सभासद से भी जाके कांटेक्ट किया और साथ ही मेयर साहब से भी किया, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। अब ये बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर जी। बंदर? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रेमलता है जी। परेशानी है? ये परेशानी है हमारे बंदर लिबड़ा, हमें यह है कि हमारा कोई काम काज हो नहीं रहा, हम का क्या खाए बताओ, बंदर हमारे कपड़े ले जाते हैं, कहाँ डालें बताओ, ये दिक्कत है। तो जैसे कि आपने देखा कि बंदरों की वजह से ऐसा आतंक मचा हुआ है, बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो परेशानी लगातार सबको बनी हुई है। तो हमारे जी सर जी। मैं 54 वार्ड से पंकज कुमार सक्सेना। सबसे ज़्यादा जो बंदर का आतंक है वो मिस्टर हमारे बड़े भैया मिस्टर अनुज सक्सेना जी का घर है, ये अजय पत्रकार के पड़ोस में, और एक भटनागर जी हैं। सबसे ज़्यादा जो बंदर हैं वो यहाँ है, कम से कम लगभग बंदरों की संख्या यहाँ से 200-250 के बीच है, और जो बंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और वार्ड 54 में काफ़ी शिकायतें हो चुकी हैं, यहाँ की सभासद माननीय श्रीमती शालिनी जौहरी हैं जिन्होंने बता रखा है, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया होगा। पहली बार सिटी न्यूज़ के थ्रू मैं बताना चाहता हूं कि इस गली में सबसे ज़्यादा बंदर हैं इस वार्ड में, और कृपया करके मैं यही कहूंगा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए यहां पर एक कैंप लगे, यहां पर इसका पूरा जाल लगे बंदरों का, यहां पर बंदरों के जाल के थ्रू बंदरों को हटा दिया जाए। और बस यही रिक्वेस्ट है मेरी यहाँ के विधायक से और सिटी न्यूज़ के तरफ से कि सिटी न्यूज़ मेरे ऊपर तक मेरी बात को पहुँचाएँ। सबसे ज़्यादा बंदर इस पीपल के पेड़ के ही थ्रो आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जो घर हैं, एक मिस्टर मैंने बोला था पहले भी अनुज कुमार सक्सेना का, भटनागर जी का, अंदर कृष्ण कुमार सक्सेना जी का, सामने अजय पत्रकार जी का घर, ये गली बंदरों से हमेशा 24 घंटे भरी रहती है। थैंक यू मैम।
देखिए जितनी भी गंभीर समस्या बनी हुई थी हमने सिटी न्यूज़ के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखाई। हम उम्मीद करते हैं कि इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप बरेली की हालत देख रहे हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी समस्या से लेकर परेशान है। तो अगर आपको भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो आप सिटी न्यूज़ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी सेवा में सबसे पहले हाजिर रहेंगे। तो अब देखना यह है कि इस समस्या का समाधान होता है या नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। मैं सलोनी कश्यप, सिटी न्यूज़ बरेली।